बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानू। चलिए बढ़ते हैं ललितपुर की कुछ खास खबरों की ओर। बुंदेली अंदाज में मनाया गया दशहरा। सभी लोगों ने एक दूसरे को पान खिलाकर अपनी खुशियां व्यक्त की। नवरात्रों के पावन पर्व पर आदि शक्ति की उपासना के बाद दसवें दिन असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार परंपरागत बुंदेली अंदाज में मनाया गया। सोमवार को ललितपुर जनपद के मड़ावरा में लोगों द्वारा आपसी सौहार्द कायम करते हुए एक दूसरे को पान खिलाकर दशहरे की खुशी मनाई गई। इस दौरान कस्बे की प्रसिद्ध दिलीप पान सेंटर पर पान के शौकीनों की भीड़ रही, जहां सभी को सोशल डिस्टेंस के साथ उनके पसंदीदा पान उपलब्ध कराए गए। मड़ावरा से इमरान खान की रिपोर्ट। तो सब दशहरे की राम राम। जो दशहरे का त्यौहार अपने बुंदेलखंड में मनाया जाता है, खास तौर से ये त्यौहार कोरोना काल में हर वर्ष की अपेक्षा और हर त्यौहार की अपेक्षा अच्छा है। जो पहले और त्यौहार मनाए जाते थे वो फीके थे, लेकिन ये त्यौहार एक अच्छा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार में जब राजा राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, असत सत्य की जीत हुई थी, असत का नाश हुआ था, उसी प्रकार आज हम आप भी एक पुरानी बुराई को त्याग कर एक नई परंपरा, नई रीति रिवाज, नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपने कहा कि पान दिलीप पान पैलेस से पान लेकर यहाँ से जाते हैं, अपने मित्रों के लिए खिलाते हैं, परिवारजनों के लिए खिलाते हैं, जिससे एक आपसी सामंजस्य बना रहे। इस पर्व पर पान का जो प्रचलन है, यह हमारी बुंदेलखंडी सभ्यता में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पान जो है कि हमारे यहाँ शांति लालिमा का प्रतीक होता है, जिससे हम लोगों की दशहरे पर लालिमा मुस्कान दिखाई दे। इस प्रतीक को मनाने के लिए हम लोग जो है दशहरे में पान का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात है, लॉकडाउन की बात जो आपने बताई है, लॉकडाउन में जो है सारे त्योहारों के बाद पहला त्यौहार है जो लोगों को मनाने में थोड़ा सा हर्ष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा एक तो महंगाई की मार से पान व्यवसायी जो त्रस्त थे उनमें थोड़ी लहर है, और थोड़ा सा वातावरण भी इस समय जो है ना गर्मी का रहा ना सर्दी का रहा है। और दशहरे में मुख्य रूप से जो है हमारे यहाँ की बड़ी सत्य के धर्म का प्रतीक है, जैसे आज रावण का अंत हुआ ऐसे ही कोरोना का भी अंत बहुत ही जल्दी निश्चित है और बहुत ही जल्दी इसमें